subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दोस्तों, जिन्होंने जल्दबाजी में शादी की उन्होंने सब कुछ अपना बिगाड़ लिया। जिन्होंने जल्दबाजी में शादी की उन्होंने अपना सब कुछ बिगाड़ लिया। जिन्होंने सोच समझ के की उन्होंने क्या उगाड़ लिया। दोस्तों, शादी से याद आया कि हमारे गांव में एक अमली होता था। अमली कहते हैं जो अफीमची होता है, अफीम खाते रहते हैं। तो अमली होता देसु अमली। तो देसु अमली पूरे गांव में काफी पॉपुलर फिगर थी, सब लोग उसको मानते थे। देसु की सबसे दुखान देसु की लाइफ का ये था कि उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। पुराने जमाने में ऐसा था कि आजकल तो ये चीज मानी नहीं जाती, लेकिन पुराने जमाने में जैसे ही लड़का 20 को क्रॉस किया तो चिंता शुरू हो जाती थी कि शादी क्यों नहीं हो पा रही। और गांव वाले भी, क्योंकि इतना काम नहीं था, आजकल तो लोग बिजी बहुत है, कि व्हाट्सएप पे बहुत बिजी रहते हो आप। तो पुराने जमाने में लोगों के पास व्हाट्सएप फेसबुक नहीं था, तो लोगों के पास इतना काम नहीं होता था। तो वो फिर ऐसे ही मनोरंजन करते थे दूसरों के घर में ऐसे ताकझांक करके, भैन जी शादी नहीं हो रही लड़के की, अब तो आपको सोचना चाहिए, है ना। तो देखो सुमित्री के लड़के ने तो 5 बच्चे पैदा कर दिए थे, अब तक 20 का हो गया, बहन जी आपको सोचना चाहिए। तो ऐसे मतलब घर वालों को परवाह नहीं भी है तो आस पड़ोस वाले उंगली दे देके उनको परवाह करवाते थे। तो घर वालों को भी टेंशन, उन्होंने सोचा कि क्या करें। किसी पंडित जी को बुलाया, पंडित जी को देसु की पत्री दिखाई, ये दिखाया वो दिखाया। उसने पंडित जी ने बताया कि ऐसे ऐसे करो, 15 सोमवार उन्होंने किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर किसी ने आके ये बताया कि हमारे गांव के पास आलूपुर गांव में एक पीर मलोई की समाधि है, तो वो समाधि पे आप 15 वीरवार जाके वहां पे चद्दर चढ़ाओ तो सब कुछ बहन जी ठीक हो जाएगा। तो चलो जी ये काम भी उन्होंने सोचा कर लो। तो देसु के माता जी देसु को ले जाके 15 वीरवार वहां पे रोज हर वीरवार को चद्दर चढ़ाते थे जाके। तो 15 वीरवार चद्दर चढ़ाई, तो 16 वीरवार क्या हुआ कि ऊपर वाले का बुलावा आ गया और देसु के माता जी ऊपर चले गए भगवान जी के पास। देसु बड़ी खुन्नस में गया पीर मलोई की समाध में, बोला हे पीर मलोई सानू तक की देनी सी, हमारे बापू की मुखवाई। दोस्तों, अब जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई वो बापू जी के कंधों पे आ गई। अब माता जी तो चले गए फिक्र करने वाले, अब बापू जी आसपास कर रहे हैं, जुगाड़ कर रहे हैं। बापू जी भी देसु की तरह थे बेचारे, तो लेकिन वो कर रहे हैं कि चल कैसे कैसे बच्चे की शादी हो जाए। तो फिर एक बार क्या हुआ कि पास के गांव से देसु को देखने वाले आए, तो देखने वाले आए ऐसे बातें कर रहे हैं। देसु की शक्ल सूत तो ठीक थी, तो लड़का तो उनको पसंद आया। तो उन्होंने पूछा कि हाँ भाई साहब, वैसे काका जी करते क्या हैं? बोले जी काका जी बर्तन बेचते हैं। बोले बर्तन बेचते हैं? बोले तो काका जी की बहुत बड़ी दुकान होगी या बर्तन की फैक्ट्री है क्या? बोला नहीं जी, घर के उठा उठा बेचते हैं। तो दोस्तों इसी तरह पिताजी ने भी मतलब उनकी शादी में करने की वैसे तो मन से बोला भैया, क्योंकि गांव के लोग सीधे बहुत होते थे। तो लेकिन ये है कि सीधों की भी कभी ना कभी भगवान सुनता है। तो एक दिन ऐसा आया कि मुझे खबर मिली कि देसु की शादी फिक्स हो गई है, और मैं बड़ी खुशी से कि यार शुक्र है कि देसु की शादी फिक्स हुई। तो देसु की शादी में मैं जाऊंगा, तो मैं पूरा कोट वोट पहन के, पूरे कपड़े बढ़िया से पहन के, मैं जब देसु की शादी में गया तो जब बारात जा रही थी तो देखा देसु को रस्सियों से घोड़ी के साथ बांधा हुआ। मैं गया जाके, मैं फटाफट से देसु के बापू जी के पास कि बापू जी ये देसु को रस्सियों से क्यों बांधा हुआ है? बोले यार इसको पैसे लूटने की आदत है। तो दोस्तों ऐसे ही देसु के किस्सों के साथ मैं आपसे जुड़ा रहूंगा। अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि वो चीज जो शादी के बाद होती है, यानी कि देसु की सुहाग रात कैसे मिलाई देसु ने सुहागरात, ये बताऊंगा। उससे पहले आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो के नीचे कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट्स सब्सक्राइब करना है। तब तक कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।